ले रहा हूं, आपने कहा आपकी इंटेंशन ये नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। संबित को लग रहा है कि इंटेंशन यही है, आप कह रही हैं हमारी इंटेंशन वो नहीं है कि संघ के कार्यकर्ताओं पर उनको जलाया जाए, आपकी इंटेंशन ये नहीं है। बट मेरा सवाल है आपसे, अभी 3 से 4 महीने पहले एसके श्रीनिवास, उनको तलवारों से 20 बार गोद कर सड़क पर पलक्कड़ में उनको मार दिया गया। मेरा सवाल है आपसे राधिका जी, आप जो मैसेज देना चाह रही है, आपकी हो सकता इंटेंट ना हो, कल को केरल में एक और संघ के कार्यकर्ता की अगर हत्या हो जाए, भगवान ना करे हो, अगर हो तो फिर क्या आप जिम्मेदारी लेंगी कि हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम वो कहना चाह रहे थे, हम एफईजी की बात कर रहे थे। आप समझ रही हैं कितना सेंसिटिव टाइम है, इसको समझिए। एक मिनट रुकिए, आप जानती हैं, एक मिनट, आप एक मिनट, आप जानती हैं, एक मिनट, उदयपुर हुआ, उसके बाद उमेश कोले हुआ, कन्हैया हुआ, बहुत सेंसिटिव टाइम है राधिका जी। अमन जी, कल को केरल में कुछ हो गया, संघ के कार्यकर्ता की हत्या हुई, तो आप कैसे समझाएंगी कि हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे। राधिका जी बोलिए, राधिका जी मेरे को मेरी पूरी, मुझे मेरी पूरी बात रखने देंगे, जिस तरीके से आपने संबित जी को बिल्कुल नहीं, मैंने उनसे भी दो पूछा था। बहरहाल बोलिए, अब सबसे पहली बात, इस विचारधारा ने किसकी हत्या करी? इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या करी, नथुराम गोडसे की जय जय कार रखती है, और जिनकी विचारधारा की आई हुई एक सांसद जो बीजेपी से चुनाव लड़ती है, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री जी माफ नहीं करते, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नाम पे ये कई योजनाएं चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बापू का प्रदेश गुजरात, बापू का देश भारत, और बातें करूंगा आपसे। मुझे बताइए, कुछ हो गया, विचारधारा ने हत्या करी, कल को कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? आती है पहली बात, अब बात आती है हत्या की। हत्या तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, हत्या गांधी जी की भी नहीं होनी चाहिए थी, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, हत्या बिल्किस बानो की छोटी सी 3 साल की बेटी की भी नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने ये लिस्ट गिनाई ना, उम्मीद कर रही थी मैं, जो हमारे 100 से ऊपर 200-300 किसान मरे थे ना किसान आंदोलन में एक साल पहले, सवाल नहीं समझ रही है आप। एक बार अगर ठंडे दिमाग से मेरा सवाल समझे, हो सकता है आपकी इंटेंशन वो ना हो, समझ रही हूं अमन जी, कल को किसी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हो गई तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगी कि हम वो नहीं कहना चाह रहे थे लेकिन किसी ने गलत समझ लिया? आप समझिए राधिका जी, आपको एग्जांपल क्यों गिनवाए, मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों गिनवाए, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी जी की हत्या करी, जिस विचारधारा के चलते कई किसान मर गए, जिस विचारधारा के चलते लाखों लोग हमारे कोरोना में मर गए, जिस विचारधारा के चलते बिल्किस बानो की बेटी की मौत हो गई, किसी ने उकसाया तो नहीं था ना ऐसे हाफ पैंट जलाकर? वो विचारधारा कितनी खतरनाक है, क्या कांग्रेस विचारधारा ने कभी किसी का कत्ल किया है? वो बेसिकली एफईजी जलाना, जिस तरह से पुतला जलाना होता है ना, कांग्रेस की बात, कांग्रेस कभी भी किसी को मारने मरने की कोई बात नहीं करती। हम एक नॉन वायलेंस प्रोपोगेट करने वाली पार्टी है, हम गांधी जी के पार्टी है, हम नेहरू जी की पार्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी है, हम सावरकर की पार्टी नहीं है, हम उसकी पार्टी नहीं है जो कहते हैं नथुराम गोडसे जिंदाबाद। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है, लेकिन पहले एक बार मैं संबित का, क्योंकि जवाब लेना जरूरी है। संबित वो ये कह रही है कि पुतला जलाया जाता है ना भाई, एफईजी बर्न, जिस तरह से सांकेतिक रूप से ये वो है। देखिए, मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाए, उन लोगों के तस्वीर दिखाए जो इस गणवेश में, जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नियों के विषय में भी बताया। मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे आश्चर्य होता है, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हम हिंदू लोग हैं, गाय के विषय में हमारी इतनी अच्छी धारणाएं हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को पूजा करने वाले हिंदू आचार्यों के साथ गोली मार करके कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार का बर्ताव किया था ये आप भी जानते हैं। और इसी केरल में, जिस केरल में अभी ये यात्रा चल रही है, इस केरल में राहुल गांधी ने गाय का बछड़ा चौराहे पे अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष से कटवाया था, आपको याद है ना, वो तस्वीर याद है ना, बछड़े को बीच चौराहे पे अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष से राहुल गांधी जी ने कटवाया था, और अब बोल रहे हैं हम गौ माता की पूजा करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तकलीफ होती है इस बात का, इसमें देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो मैं हत्या की बात कर रहा हूं, लोगों की हत्याएं हुई, इसमें आपने भी जब सवाल पूछा कांग्रेस की प्रवक्ता से, वो बहुत मुस्कुरा रही है, उन पत्नियों की, उन माओं की और उन बूढ़े पिताओं का सोचे जिनके सामने उनके बच्चों को कत्लेआम किया गया है, नृशंस ढंग से काट काट के किया गया है, कोई मुस्कुराने का विषय नहीं है अमन भाई, बहुत संजीदगी से और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस विषय को डील करना है। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद गांधी की हत्यारा हमें बताते हैं। इसी विषय में राहुल गांधी ने कोर्ट में क्या कहा है, मैं तो इनको नहीं कह रहा था,
इसी पूरे विषय में डिफामेशन केस हुआ ना, इस पूरे विषय में डिफामेशन केस पे जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम ही नहीं कह रहे थे, तो यहां आके उनके प्रवक्ता, देखिए उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये कांग्रेस पार्टी, ये इतनी नफरत करती है संघ से कि 26/11 आरएसएस की साजिश, जिस 26/11 के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था, उस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए 26/11 आरएसएस की साजिश, उसके पीछे किसका हाथ था? भारत जोड़ो, भारत जोड़ो ये जो यात्रा चल रही है उसके संयोजक का, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह संयोजक है इस यात्रा के, और उन्होंने कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये संघ ने किया है। आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, संघ के प्रति, हिंदुओं के प्रति, और हिंदुओं के लिए ये इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। नवरात्र आ रहा है, 4 दिन पहले राहुल गांधी ने भगवती के लिए किस प्रकार के शब्दों को सुना, मैं अमन भाई आपसे पूछता हूं, आचार्य जी बैठे हैं, मैं आचार्य जी से पूछता हूं, यहां हम सब, मैं तो यहां राधिका जी से भी पूछता हूं, अगर मेरे सामने कोई आके कहेगा कि ये जो शक्ति है ये ऐसी वैसी भगवत, वो तो भगवान नहीं है, क्या मैं सुन लूंगा? क्या आचार्य जी सुन लेंगे? मैं आचार्य जी से पूछता हूँ, आचार्य तो आचार्य है, उसके बाद संगीत, वो धर्मज्ञ है। आचार्य जी का कमेंट ले, आचार्य जी से पूछिए, वो सुन लेंगे क्या? एक मिनट, मैं आचार्य जी, राहुल गांधी सुन लेते हैं, राधिका मां के विरुद्ध, भगवती के विरुद्ध कमेंट सुन लेते हैं। पहले आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जितिन प्रसाद ने जो कहा कि राजनीतिक मतभेद ठीक है वो होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को जलाने वाली मानसिकता, क्या ये सही है? बस मैं आपका रिएक्शन जान, आपको इसमें कुछ भी गलत लगा? ये जो आरएसएस की वर्दी जलती हुई 145 दिन बाद, ये सही है या नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए अमन चोपड़ा जी, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही पवित्र और पावन मिशन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। भारतीय सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, थोड़ा बिगड़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए की जा रही है, भारत को आगे ले जाने के लिए की जा रही है, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए की जा रही है। कोई भी यात्रा, कोई भी पद यात्रा जब इतने पावन मन से की जाती है, पवित्र मन से की जाती है, तो उसके उसको उसको अप्रिसिएट किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। अब सवाल आता है, जो आपका सवाल है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट में जो दर्शाया गया है और उस ट्वीट को लेकर के जो ये आज आप सवाल कर रहे हैं, और समित पात्रा जी इस ट्वीट को आगजनी से जोड़ना चाहते हैं, इस ट्वीट को हत्याओं से जोड़ना चाहते हैं, इस ट्वीट को और इस फोटो को हिंसा से जोड़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूं। ये विरोधियों को बदनाम करने की एक साजिश है, और जिस तरह से राहुल गांधी की शर्ट पे कमेंट किया गया वो भी गलत है, और जिस तरह से ये अगर ये आरएसएस का नेकर इसको सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है, इसमें आग लगाने की बात की गई है, या ये इसमें इसका जो उनका मंतव्य है, उनका जो मोटिव है, वो ये है कि 145 दिन के बाद में आरएसएस के नेकर में आग लग जाएगी, चिंगारी लग जाएगी, धुआं उठ जाएगा, ऐसा मुझको लग रहा है जिस तरह की बातें मुझे सुनने को आज सुबह से मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति ठीक नहीं है, ये विमर्श ठीक नहीं है, ये डिस्कोर्स ठीक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे का विरोध करने की सबको अनुमति है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत पोशाक पे, व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। जब राहुल ने संघ के कार्यकर्ताओं की बैक टू बैक हत्या हो रही है, और उसी केरल में भारत जोड़ो यात्रा, और उसी दौरान आपको कोई एक कोइंसिडेंस नहीं लगता? उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं, देखिए केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में हत्या हो, हिंसा हो, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही थी, और आप सब भी इस बात को मानते हैं कि उसकी उस हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक जो गिरावट आई है, डिस्कोर्स में जो गिरावट आई है, जो संवाद में गिरावट आई है, वो दोनों तरफ से आई है। तो राहुल गांधी जी बड़े गिरावट मानते हैं? पहले तो इसको गिरावट मानते हैं शर्ट पर, इसको आप गिरावट मानते हैं? ये जो आरएसएस की वर्दी जलती हुई और धुआं, इसको गिरावट मानते हैं आप? देखिए देखिए देखिए, यात्रा एक बहुत बड़े मिशन को लेके हो रही है, एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए ना, इसको आप गिरावट मानते हैं नहीं मानते? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जी जी आचार्य जी, मैं कभी भी जवाब देने से बचता नहीं हूं, ना मैं आपके सवाल से बचूंगा, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं।
यात्रा बहुत ही पावन मिशन को लेकर हो रही है, बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है और उनके उस यात्रा में इस ट्वीट का सवाल है, वो ये जो ट्वीट है ये कांग्रेस पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट करता है और मीडिया डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इस तरह की राजनीति का कभी समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे दृष्टिकोण में मैं संबित पात्रा जी से भी आग्रह, मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा प्लीज। आपने कहा कि मैं ऐसी चीजों ऐसी चीजों के साथ नहीं, प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं जी। हाँ, मैं बिल्कुल हिंसा के समर्थन नहीं करता, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, बदतमीजी का समर्थन नहीं करता, मैं इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं संबित पात्रा जी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे अपेक्षा करूंगा कि ये भी ये बात कहें कि राहुल गांधी जी की शर्ट पे टिप्पणी, राहुल गांधी जी के पैंट पे टिप्पणी, राहुल गांधी जी अमरनाथ जाते हैं, राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं, राहुल गांधी जी के करेक्टर एसीएस नेशन बताइए आचार्य जी। तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठा था ना, उनकी टी शर्ट को लेकर बोला गया 40,000-41,000 की, वो पॉलिटिकल कमेंट, किसी ने ऐसी मंशा जाहिर कर दी, उनकी टी शर्ट को ऐसे टांग के नीचे से आग लगा दी, धुआं उठा दिया और कहा कि देखिए 150 दिन बाद ये, फिर कहे हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं होता ना सर, मैसेजिंग तो यही होती है। एक बार संगीत रागी एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं संबित आपके पास आऊंगा, राधिका मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक कमेंट संगीत रागी जी आपका। देखिए मैसेज वो नहीं है, इंटेंट वो नहीं है, गलत लिया जा रहा है। देखिए वो निकर में आग लगाएं, लाठी में आग लगाएं, एक बार संसद के अंदर पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इंगित करते हुए कहा था कि हम इस मानसिकता को कुचल देंगे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जवाब था, पंडित नेहरू हम इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे। और इतिहास साक्षी है 70 साल में कि संघ पर प्रतिबंध के बावजूद, तमाम दुष्चक्र के बावजूद, नेहरू के षड्यंत्रों के बावजूद, गांधी परिवार के षड्यंत्रों के बावजूद, संघ आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। देखिए लगता है आपको या ये एफिगी जिसे बंद की जाती है, मैं आपको मैं ये उकसाने वाली ही कार्रवाई है, और क्यों कार्रवाई है मैं बता रहा हूं। देखिए राहुल गांधी जब यहाँ से भाग करके रायबरेली से वाडियार गए, तो आप ध्यान दीजिए उन्होंने एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना। क्यों चुना कभी आप सोच सकते हैं? क्योंकि वो क्रिश्चियन मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी की ताक में ही है। आपको लग रहा है वो इसलिए है ये मैसेजिंग है। आप देखिए ये केरला एक प्रकार से PFI का हॉटबेड होने है, सबको पता है वहां पर कौन मारा जाता है। और पादरी वाली मीटिंग भी जो मैसेजिंग थी और ये भी मैसेजिंग है, देखिए अपीजमेंट वाली। देखिए उनको हिंदू देवी देवताओं से बड़ा घृणा है। आप सोचिए वो कह रहे हैं, आज तो एक और बात बता देना चाहता हूँ, आज फिरोज गांधी जी का बर्थडे है, आपको शायद पता होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने दादाजी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। बड़ा वो दूसरे लोगों को ट्वीट करते रहते हैं, हर मिनट में वो ट्वीट करते हैं, लेकिन फिरोज गांधी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। एक बस छोटी सी बात कहता हूं। देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि मुसलमानों का वोट जो है वो किसी तरीके से हमारे पाले में आए। अच्छा। वो लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? रेडिकल फोर्सेस कितना हमारे पाले में आकर के आ जाए इसकी सारी जुगत है, इसलिए उनको लगता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जितना बोलेंगे हमको ये है, लेकिन ये इसमें मात खाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अपने आप को इस ट्वीट से अलग कर रहे हैं कि मैं इस तरह की राजनीति के साथ नहीं हूं, वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। कम से कम आप भी कह सकती हैं कि हाँ भाई अमन ये गलत ट्वीट है, ये इस तरह की ये राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए कि हम विरोधियों को जलाने वाली मानसिकता रखें। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अपने आप को अलग कर रहे हैं। अमन जी इतिहास में जाने का बहुत शौक है भारतीय जनता पार्टी को, और अब भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने का भी शौक है। आज और कल दोनों की बात करते हैं 30 सेकंड में। आज के झूठ की बात करते हैं जो इनकी जो बार बार कहते हैं कि राहुल जी को हरा दिया। स्मृति ईरानी जी का एक भाषण, मैं उस पे जाऊंगा राधिका जी, पहले इस पे रह ले, इस टॉपिक पे आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
आचार्य जी ने भी अपने आप को अलग किया उस ट्वीट से। जब से ये डिबेट शुरू हुई है अमन जी, मेरे को टोकने के अलावा आपने किसी को नहीं रहा। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे बोलने देंगे। मैं बोलिए राधिका, लेकिन टॉपिक पर रहिए। आचार्य जी ने अपने आप को अलग किया है, वो बहुत जरूरी है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए बोलिए राधिका, बोलिए बोलिए। बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आचार्य जी ने अपने आप को अलग किया इस तरह के ट्वीट से, आप भी कर सकती हैं। बोल रहे थे, मुझे सच बताने दीजिए देश के आगे। अच्छा, ये देश को जानना बहुत जरूरी है, क्यों इस विचारधारा को जलाना और खत्म करना और नष्ट करना इस देश से जरूरी है, क्योंकि ये झूठ की विचारधारा है। वही विचारधारा है जिनकी नेता स्मृति ईरानी जी झूठ बोलती है और कहती है कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के स्टैच्यू के वहां पे नहीं गए, उसका वीडियो भी सामने आ गया, राहुल जी कैसे वहां पे गए थे। ये झूठ देश के सामने आना बहुत जरूरी है और झूठ को तो जला के नष्ट कर देना चाहिए। और ये निक्कर के ऊपर जितनी इतनी चर्चा हो रही है, आपको पता है ये निक्कर आई कहां से थी? आपको याद है कि आपने तो पढ़ा होगा इतिहास में, इनके पुराने आरएसएस के बड़े लीडर थे बी एस मुंजे, जो मुसोलिनी से मिलने गए थे खास, वहां पे चर्चा हुई थी और वो बहुत प्रभावित थे और किस तरीके से वो फासिस्ट अपना देश चला रहे थे, वो उनसे सीखना चाहते थे किस तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और उनकी यूनिफॉर्म से बहुत प्रभावित थे और वही प्रभाव वो यहाँ भी लेकर आए थे। तो क्यों उस फासिस्ट प्रभाव की यूनिफॉर्म ये रखना चाहते हैं? जला के नष्ट करिए मानसिकता को। आपने तो जब तिरंगा अपना लिया तो उसको भी नष्ट करिए। छोटा सा ब्रेक के बाद संबित आपसे शुरू करूंगा।